बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं वेलकम टू द नाइट पोएम की, और आज हम उसमें करेंगे सेंसरी वर्ड्स। सेंसरी वर्ड्स क्या होते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और हम इसमें कुछ अपनी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सेंसरी वर्ड्स आर वर्ड्स दैट रिमाइंड अस ऑफ आवर फाइव सेंसेस। सेंसरी वर्ड्स वो हैं जो हमें अपनी पांच जो हवास हैं उसके बारे में हमें याद दिलाते हैं। जैसे साइट बसारत को देखने को कहते हैं, साउंड हम कानों से आवाज को सुनते हैं, स्मेल हम अपने नाक से सूंघते हैं, टच हम अपने हाथों से किसी चीज को छूते हैं, और हम जबान से चीजों का जायका महसूस करते हैं। इसीलिए ये अल्लाह ताला की नेमते हैं। अल्लाह ताला कहता है, अब ये अलाई रब्बी कुमा तुकजीवान, बस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अगर हमें देखना, सूंघना, चखना अगर ये ना हो तो हमारे लिए दुनिया बेकार है। तो शायर पढ़ने वालों को अल्फाज के जरिए दिखाते हैं। ट्राई टू शो रीडर्स व्हाट यू वांट देम टू सी थ्रू वर्ड्स। वो अल्फाज के जरिए अपने पढ़ने वालों को सैर कराते हैं। जितना अच्छा अल्फाज का चुनाव होगा उतना अच्छा हमारे जहन में तखय्युल तश्कील पाएगा, यानी उतनी अच्छी तस्वीर बनेगी। शायर या मुसन्नफ अल्फाज के जरिए से एक तस्वीर तख्लीक करता है, यानी वो शायरी में मुसव्वरी करता है, और जिस तरह से वो अल्फाज हमें दिखाता है हमारा दिमाग वही चीजें देखता है। इमेज कहते हैं तस्वीर या अक्स को, मेंटल पिक्चर, जो हमारे दिमाग में एक तस्वीर तश्कील होती है। जब हम किसी भी मुसन्नफ की कोई शायरी या तहरीर पढ़ते हैं, इमेजरी कहते हैं मंजर कशी को, मेथड ऑफ राइटिंग बाय विच द ऑथर यूजेस ऑर्डिनरी वर्ड्स टू क्रिएट एन इमेज, यानी वो अल्फाज के जरिए से एक पूरा मंजर हमारे सामने तश्कील देता है। जैसे सेंसरी वर्ड्स ऑफ साइट्स में है, बबली, कलरफुल, थिक, हेयरी, लाइट और शार्प। जब ये इन चीज अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आंख में अपने पहले तजर्बे की बुनियाद पर वही चीजें सामने आ जाती हैं। इसी तरह सेंसरी वर्ड्स फॉर साउंड आर कफ, हैंक, चिप, क्लैप, मूव, बज। जब ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं तो हमारे कान उसी तरह की आवाज सुनते हैं। इसी तरह जो स्मेल है हमारे सूंघने की, इससे उसके लिए फिशी, फ्लावरी, मस्टी, रॉटन और स्वीट के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हमें ऐसे लगता है जैसे हमें इन चीज़ों की खुशबू आ रही है। इसी तरह सेंसरी वर्ड्स जो हैं टच के लिए हैं, स्मूथ, हार्ड, रफ, आयली, सॉफ्ट और सिल्की। जब इन अल्फाज का इस्तेमाल होता है तो हमें लगता है कि हम वाकई ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं। और इसी तरह जो टेस्ट के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कॉमनली, वो हैं स्वीट, सावर, साल्टी, स्पाइसी और बर्न्ड। हमारे मुंह में वही टेस्ट आ जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप ये हम देखते हैं कि इस पोएम में कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो आपके लिए पहला लफ्ज़ है क्रॉल। हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्रॉल का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड बाय ड्रैगिंग द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड। तो हम क्रॉल का लफ्ज़ बोलते हैं तो हमें अपने एहसास होता है जैसे कोई चीज़ क्रॉल कर रही है हमारे ऊपर। इसी तरह बज, जैसे शहद की मक्खी की बिनबिनाहट है। तो ये कौन सा सेंसरी वर्ड है, बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये साउंड का है। हमारे कानों में ऐसे लगता है कोई बिनबिनाहट हो रही है। इसी तरह हूट, हमने देखा था कि जो आउल है या उल्लू है वो हूट करते हैं। तो ये कौन सा सेंसरी है, शाबाश, ये हमारे कान, ये साउंड का सेंसरी वर्ड है। इसी तरह सिंग, गाना गाना, जंगल में परिंदे जो हैं वो गाना गाते हैं। तो जब ये कौन सा वर्ड है, शाबाश, ये हमारे साउंड का सेंसरी वर्ड है जो कि इस पोएम में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह कूल ब्रीज, ठंडक वाली, तो ठंडक हमें कहाँ महसूस होती है, सेंस ऑफ टच से। तो शाबाश, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये टच का सेंसरी वर्ड है। इसी तरह हमने एक और लफ्ज़ पढ़ा था रफ, रफ बाग, तो ये भी हमें टच से महसूस होता है कि कोई चीज़ कैसे है। तो ये भी आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये टच का सेंसरी वर्ड है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको
सबक पसंद आया होगा, समझ आई होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।